हेलो व्हाट्सअप एक्सट्रूड गेमिंग हेयर, मेरा नाम है ट्रेवर एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो गाइस, आज हम यहाँ फ्यूल भरा रहे हैं। अभी जैसे कि आप जानते हो, ट्रेवर और फ्रैंकलिन ने रॉबरी करी थी पिछले बार, वो सक्सेसफुल हुई थी। तो उससे जो पैसे मिले थे उसे ट्रेवर ने एक बहुत ही स्पेशल चीज़ खरीदी है जो आज की वीडियो में हम दिखाने वाले हैं। ट्रेवर ने अपना खुद का एक बड़ा सा कस्टम शोरूम बनवाया है। जी हाँ, बहुत ही बड़ा है। सो शोरूम देखने चलते हैं। उससे पहले नीचे लाल सब्सक्राइब बटन को दबाओ। न्यू चैनल है तो आपका सपोर्ट चाहिए इसलिए, और ऐसे न्यू इंटरेस्टिंग वीडियोस आते रहेंगे तो अभी के अभी सब्सक्राइब करो और लाइक करो आपको अगर वीडियो अच्छा लगता है, एंड कमेंट करो कि और किस टॉपिक पे हम वीडियो बना सकते हैं। सो फटाफट से चलते हैं अपने शोरूम की ओर। और चलो, जैसे कि आप देख रहे हो, ये फ्रैंकलिन ने ही दिया था पिछले वीडियो में। अगर वीडियो आपने नहीं देखा तो जाके देख सकते हो हमारे चैनल पे। तो चलते हैं अपने शोरूम की तरफ। रुको, ऐसे कब तक जाएंगे, थोड़ा लोकेशन लगा दे। ये रहा, और मैंने एक ट्रेलर भी लिया है जिसे कि हम डिलीवरी किया करेंगे। और वैसे अभी कार तो हमने ले ली है बहुत सारा गैराज भरने के लिए, बट आप बताना ज़रूर कि कौन कौन सी गाड़ियाँ हम और डाल सकते हैं, चोरी करके डालें या खरीद के ऑब्वियसली हम नहीं डालने वाले। सो चोरी करके ही बेचेंगे, चोरी करके लाएंगे, उसके बाद मॉडिफाई कराएंगे उसको, उसके बाद बेचेंगे। सो फ्रीवे एंट्रेंस यहाँ पर है भाई साहब। यहाँ एकदम बीच के पास हमने शोरूम लिया है, एकदम हाईवे है, बीच है, जहाँ पे पब्लिक पूरा भीड़ लगा के रखती है। और ऊपर से समर का टाइम है तो सन बाथ लेने आते ही हैं सब। सो यहाँ पे पब्लिक का भीड़ तो रहता ही है। सो शोरूम भी अपना अच्छा खासा चलने वाला है। सो ये गाइस देखो, लेफ्ट साइड में हमारा इतना सब, इतना बड़ा शोरूम है। ये कौन सा गाड़ी है? अच्छा, और ये रहा हमारा बड़ा सा शोरूम जो कि आप सामने देखने पा रहे हो। तो हम अपना गाड़ी इधर पब्लिक पार्किंग में खड़ा कर देते हैं। और हमने पब्लिक पार्किंग के सामने गैराज बनाए। और ये रहा, एक बार फर्स्ट पर्सन व्यू में देखते हैं भाई साहब। देखो इतना बड़ा शोरूम है, ये देखो इतना बड़ा शोरूम है, इतना सारा गाड़ी खड़ा है। और ये हमारा सिंगल कार जो तमी गाड़ियाँ डिलीवर करने की जाएंगी, ट्रेलर रखा हुआ एक। सो अंदर की तरफ चलते हैं। और ये देखो इतनी सारी गाड़ियाँ रखी हुई है। किसको बोल रहा है ट्रेवर? और ये देखो भाई साहब कितनी सारी गाड़ियाँ हमने ली है। ये दो सुपर कार लग्जरी कार्स है जो हमने इंपोर्ट करके मंगाई है। और ये रही हमारी रिसेप्शनिस्ट बोलते हैं ना। और ये थोड़ा पब्लिक प्लेस बैठने के लिए। और ये रहा हमारा मैनेजर, पता नहीं ये खड़ा हो के मेरा रिस्पेक्ट कर रहा है, शायद सैल्यूट भी कर दे। और ये रहा हमारा रोल्स रॉयस। इतनी सारी गाड़ियाँ खड़ी है, देखो भाई इतनी सारी गाड़ियाँ खड़ी है। और तो ऊपर भी, अभी सेकंड फ्लोर पे तो पूरा कस्टम शॉप है, वहाँ पे भी चलेंगे। उससे पहले यहाँ पे देखो कितनी सारी गाड़ियाँ खड़ी है। ये रोल्स रॉयस, दूसरी इधर एक बुगाटी खड़ी हुई है भाई साहब। इधर भी देखो एक रोल्स रॉयस, ये पुरानी मॉडल है, ये पुरानी मॉडल की रोल्स रॉयस है। और तो देखो ऊपर की तरफ चलते हैं। इधर से ऊपर की तरफ जा सकते हैं, वहाँ सीढ़ी भी है, बट ये रास्ता दिखाना था आपको इसलिए इधर से आए हमारे। सो ये रहा हमारा जो गाड़ियाँ मॉडिफाई हो चुकी है, इतनी सारी गाड़ियाँ अभी मॉडिफाई हो चुकी है, और 5 ऑलरेडी लाइन में लगी हुई है। सो देख रहे हो इतना, 5 कस्टम शॉप है, 1 2 3 4 5 गाड़ियाँ एक साथ मॉडिफाई करा सकते हो। अभी सारे वर्कर्स, ये CNC मशीन है क्या? देख रहे हो ये ड्रिल रखी हुई है बड़ी सी,
और ये क्या बोलते हैं उसको, लेथ मशीन है, और ये लेज़र कटर मशीन है जिससे गाड़ियों की क्या बोलते हैं बोनट्स या साइड स्कर्ट्स बनती है। और ये रही हमारी स्पेशल एडिशन की कार, कार नहीं ट्रक, जिसमें कि हम कस्टम शॉप ले के घूम सकते हैं, कहीं भी रोड पे या कहीं पे भी मॉडिफाई करा सकते हैं कोई भी गाड़ी या, तो वो पूरा एक ट्रक नहीं है। और ये इतनी सारी गाड़ियाँ यहाँ पे खड़ी हुई है मॉडिफाई करा के। सो हमें शायद डिलीवरी भी कुछ की करनी थी। और ये रही हमारी कुछ स्पेशल कार्स जो अभी पैक की हैं, इन्हें बाद में ही खोलेंगे। तो चलो फटाफट से नीचे चलते हैं। ये क्या था ड्राइवर, जंप करने कौन बोला? अरे कोई ना, ठीक है। ये देखो बच्चा सा गाड़ी है, बच्चा सा। अच्छा हम बाइक नहीं दिखाएं, ये देखिए बाइक भी, तीन तीन बाइक खड़ी है, एक हायाबुसा भी खड़ी है। तो मैं सोच रहा था मैं अपने लिए भी एक हायाबुसा ले लूँ, तो एक बार इसका टेस्ट राइड लेके आते हैं। चलो तो एक बार धीरे से निकाल लेते हैं इसको, अपना ही शोरूम है, कोई कुछ नहीं बोलेगा, तो इसका टेस्ट राइड लेके आते हैं। वो भाई क्या साउंड है, गजब। द फर्स्ट पर्सन व्यू में देखे ज़रा भाई साहब, लग रहा है रियली चला रहे हम। और देखो ये व्हीली करके चलाएंगे। अच्छा और 177 तो यूं ही पार हो गए स्पीड से, इतना स्पीड चल रहा है भाई साहब। सो चलो चलते हैं वहाँ पे वापस अपने स्टोर पे। भाई साहब साउंड सुन रहे हो, क्या गजब साउंड है, और व्हीली करने में तो गजब मज़ा ही आ जा रहा है। और देखो यहाँ से पूरा शोरूम दिख रहा है, पूरा हाईवे से, और तब खतरनाक बिक्री होने वाली है अपनी। सो ये रहा अपना जीप, तो ये जहाँ था वहाँ पार्क करके आते हैं पहले। सो गाइज देखो यहाँ पे एक कस्टमर आया हुआ था, थोड़े कम पैसे दे रहा था, तो ड्राइवर इतना गुस्सा आ गया कि मार ही दिया उसको सीधा। देखो बैग भर के पैसे पैसे लाया था, तो फिर भी उसे मार दिया ड्राइवर ने, मतलब पगलेट आदमी। सो मैनेजर ने बताया कि हमें दो डिलीवरी करनी है, ऊपर जो एक्सट्रीम इधर से राइट साइड में जो खड़ी थी ना दो कार, उसे डिलीवर करने जानी है। तो ऐसे ट्रेलर तो आ चुका है हमारा, तो चलो वर्कर को बोल दिए कि दो हम डिलीवर करके आ जाते हैं, बाकी चार गाड़ियाँ तुम बाद में डिलीवर कर देना। तो चलो हम दो गाड़ियाँ डिलीवर करके आते हैं, पहले उनमें से दो ही गाड़ी डिलीवर करके आएंगे हम। तो देख रहे हो भाई साहब मॉडिफाई कराने के बाद कितना मस्त सा साउंड आ रहा है, मक्खन की तरह एकदम, सुन के मज़ा ही आ जाता है। एक बार सुनो अच्छे से साउंड इसका भाई साहब, मज़ा ही आ गया। रुको ट्रेलर ज़रा नीचे कर ले, रैंप नीचे कर ले थोड़ा। गाड़ी अनलॉक करके उसके बाद नीचे कर दिए। चलो फटाफट गाड़ी को लोड कर लेते हैं दोनों गाड़ी, उसके बाद चलेंगे डिलीवर करके आएंगे। ओके सीधा हो जाओ पहले। सो पहली गाड़ी हमने अटैच कर दी, अरे ऊपर कर दिया, सब चलो। सो गाइस हम दूसरा गाड़ी भी ले आ चुके हैं, अब इसको भी अंदर
चढ़ा के और डिलीवर करके आते हैं फटाफट। इसको अटैच करो। और रैंप ऊपर कर दो। चलो वो धीरे धीरे हो जाएगा, तब तक चलते हैं। सो गाइस, हम आ चुके हैं दूसरी गाड़ी डिलीवर करने के लिए। और ये रहा वो घर। भाई अब कितना बड़ा घर है। तो गाड़ी हम यहाँ ट्रेलर अपना पार्क कर देते हैं और फटाफट से अपनी गाड़ी निकाल लेते हैं। ट्रेलर लॉक कर दो। ओके, कोई ना, गिर गया लेकिन। सो इसे डिलीवर करके आते हैं यहाँ पे। भाई साहब किसका घर है इतना बड़ा? ओ भाई क्या यार, पार्किंग बड़ा मस्त है। अरे रुको, छूट गया। भाई साहब घर देख रहे हो कितना बड़ा है? किसका घर है ये? ट्रेवर को तो ऐसे कोई रोकेगा नहीं। सो एक बार देख लेते हैं किसका घर है। मालिक नहीं है क्या घर में भी? ये सब घर देख रहे हो कितना बड़ा है। यहाँ पे बैठने का जगह है, यहाँ से पूरा समंदर दिख रहा है। ओ भाई क्या घर है। ट्रेवर को भी ऐसे ही घर चाहिए अब। अंदर कोई है? लगता है कोई नहीं है। भाई साहब क्या सीढ़ी है, इतना मस्त लाइटिंग है सीढ़ी पे। भाई साहब घर तो मस्त है, बाद में आएंगे, अभी पता नहीं, मालिक नहीं है शायद। तो कोई ना, कार डिलीवर हो गया अपना। और ये कौन है? पता नहीं कौन है, शायद मालिक का फ़ोटो होगा। तो चलो कार डिलीवर हो गया अपना, हम चलते हैं अपना। ये ट्रक सायरन क्यों बजाने लगा? सो गाइस, वीडियो बड़ा नहीं करते हैं, बस इतना ही। और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि कौन कौन सा गाड़ी हमको शोरूम में लाना चाहिए। और ये आपको घर कैसा लगा? हमको तो लग रहा है कि ये हमें छीनना पड़ेगा, पता नहीं किसका है। बट हम ये अपना अगर हो गया ना, तो भाई सब देख रहे हो कितना बड़ा घर है। देखो ऐसे जूम करके देखो, अरे कितना बड़ा घर है भाई साहब। अगर ये ट्रेवर को मिल गया ना, तो मज़ा ही आ जाएगा। वैसे ट्रेवर तो बहुत जीती है, जो चीज़ पसंद कर लेता है उसे चाहिए ही चाहिए। तो ट्रेवर को ये पसंद आ चुकी है। उसके बाद और क्या बोले, घर अपना होने से कोई रोक नहीं सकता। तो देखते हैं क्या कर सकते हैं। सो गाइज, अगर वीडियो आप पर अच्छा लगा तो लाइक करो और कमेंट करके ज़रूर बताना कि कौन सा गाड़ी लेने हमें शोरूम में रखना है। और भाई चैनल को सब्सक्राइब करो भाई प्लीज़, नया चैनल है। ये सब देखो कितना बड़ा शोरूम है हमारा, यहाँ से पूरा शोरूम दिख रहा है। सो अपना ट्रेलर इधर पब्लिक पार्किंग में ही पार्क करना पड़ेगा। सो स्पीड आराम से इधर बैक करके लगा दो। अरे ये ट्रेलर को बैक करना बहुत मुश्किल है, इधर से इधर टर्न लेता है। चलो यहाँ पे कोई बोलेगा नहीं क्योंकि यहाँ पे पार्किंग नहीं है। तो अपना ट्रक यहीं पे रहा करेगा। सो ये रहा हमारा मस्त सा गैराज।